आज की रेसिपी है मदर्स डे स्पेशल क्विक एंड सिंपल बेसन बर्फी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में डालेंगे हम आधा कप देसी घी। घी को पूरा मेल्ट होने देंगे। जैसे घी पूरा मेल्ट हो जाएगा इसमें एक कप बेसन डालेंगे और 1/4 कप सूजी यानी रवा। ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम आपने पूरे प्रोसेस में मीडियम पर रखना है। अब इस मिक्सचर को चम्मच से चलाते हुए लगातार पकाते रहें जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, बेसन बर्फी बनाते हुए आपने इसको लगातार चलाना है और इसे पकने में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो इसमें आप इसको अनदेखा ना करें, इसको पूरा ध्यान से लगातार चलाते हुए पकाएं। तो अब आप देख सकते हैं कि बेसन हमारा अच्छे से पक चुका है। इसमें अब हम चीनी डालेंगे। मैंने 1/3 कप चीनी डाली है जो कि ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें और चीनी भी ऐड कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। इसको मिलाएं। इसको हमने 3 मिनट तक और पकाना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून के तकरीबन हरी इलायची का पाउडर ऐड किया है। इसको भी मिलाकर हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद गैस का स्विच बंद कर देंगे। जिस भी बर्तन में आपने बर्फी को सेट करना है उसको पहले देसी घी से इस तरह ग्रीस कर लें। अब इस गर्मा गर्म बर्फी के मिश्रण को इसमें डालें। स्पैचुला से इसको प्रेस कर दें और ऊपर से इसको कटे हुए नट्स के साथ डेकोरेट करें। मैंने आज इसमें बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल किया है। बर्फी को सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दें। 1 घंटे बाद हम इसको पीसेस में काट कर इस बर्तन से बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, बर्फी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको किसी तीखे चाकू से अपने मनपसंद आकार में काट लें। तो फ्रेंड्स, बेसन की बर्फी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस मदर्स डे अपने मदर्स को सरप्राइज करें कुछ अच्छा बनाकर, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। सी यू सून विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन कीप वॉचिंग। बाय बाय।